हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए बहुत ही एक स्पेशल और बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वन मार्क क्वेश्चन फ्रॉम एनपीयू वॉल्यूम वन अकाउंटेंसी क्लास 12, उसका फर्स्ट चैप्टर आपका। ठीक है, अगर आप मेरी ये वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको, हमको नहीं लगता कि इससे बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए और होंगे। सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, प्लस छोटे न्यूमेरिकल भी इसमें हमने कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस सीरीज की साइड। क्वेश्चन नंबर वन, जैसे आपके सामने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर किया जाता है इसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली द ट्रेडिंग अकाउंट, नॉन ऑफ द अबव। ये तो ये पढ़ा है ना, एनपीओ हमने किसके लिए प्रिपेयर करवाए थे? एनपीओ हम प्रिपेयर करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, किसकी समरी होती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? पता है ना, रिसीट पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा होता है, तो कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आंसर नंबर टू। सब क्लियर है ये आपको बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन, एक भाई क्लब ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, कहाँ शो करते हैं हम इसको? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या बन जाती है? हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब कहाँ आएगा? इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सी थर्ड। बड़ा मार्क कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डोनेशन हुआ है भाई, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन आया है। अगर वो सिंपल आता है, किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो रिवेन्यू रिसीट हो जाता है। लेकिन अगर वो स्पेशल पर्पज़ के लिए आता है, तो वो क्या बन जाती है हमारी? वो बन जाती है हमारी कैपिटल रिसीट। क्लियर? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। आ जाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, क्या है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है क्या कि रियल होता है, पर्सनल होता है, कोई भी नहीं होता? पता है आप लोगों को, जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं वो सब हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे होते हैं रियल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर, करेंट ईयर में हुआ है, करेंट ईयर इसी साल में है, एडवांस में आ गया है, क्या बन जाएगी हमारी? प्रीपेड है, प्रीपेड चीज़ें क्या होती हैं? बन जाती हैं हमारी लायबिलिटी। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो भाई, नेक्स्ट चलते हैं। इफ देयर इज ए मैच फंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड मैच इनकम आर ट्रांसफर टू, फिर से समझें, मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस और एंड मैच इनकम कहाँ जाएंगी हमारी? ये जाएंगी हमारी, फंड है ना, लायबिलिटी साइड में। समझ गए? फंड कहाँ जाते हैं? फंड सारे जाते हैं हमारे लायबिलिटी साइड में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शो, क्या शो करता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? ज़्यादातर जो शो करता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, सरप्लस, डेफिसिट, कैपिटल फंड। नहीं, सबको पता है अच्छे से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ज़्यादातर हमारा क्या आता है? डेबिट बैलेंस आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। इफ देयर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैच एक्सपेंसेस तो हो गए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर ओनली, बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, या फिर इनकम ऑफ ओनली रिवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। क्या चीज़ है ये, फिर से समझेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवेन्यू नेचर की चीज़ों को ही लिया जाता है, इसमें कैपिटल नेचर की चीज़ों का कोई भी काम नहीं है। ये पता है, कैपिटल रिसीट्स हम यहाँ पर कंसीडर ही नहीं करते, हम सिर्फ रिवेन्यू नेचर की चीज़ें लेते हैं यहाँ पर, राइट? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलो नेक्स्ट चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रिवील किया जाता है, क्या दिखाया जाता है, क्या शो किया जाता है? तो इसमें आता है, आपको पता है ना, इसमें क्या आता है, क्या रिवील्स होते हैं? इसमें आता है सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। इसमें इनका हम नेट प्रॉफिट या नॉट लॉस नहीं आता है, क्या आता है इसके अंदर? इसमें आता है सरप्लस ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो सब्सक्रिप्शन है हमारा, इनमें से किस अकाउंट के अंदर इसको बताया जाता है? एक तो डेबिट साइड आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या फिर क्रेडिट साइड में आता है,
लायबिलिटी साइड में आता है, बैलेंस शीट में, या फिर एसेट साइड में, है ना। कहाँ पे हम दिखाते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स से हमें सब्सक्रिप्शन आया है, ऑब्वियस है कि हमारी इनकम हो गई होगी। कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी क्रेडिट साइड में। क्लियर? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट इलेस जो अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। डोनेशन रिसीव्ड हुआ है हमको, फॉर स्पेशल पर्पस आया है। अभी बताया था डोनेशन जो आता है वो हमारा, उसके लिए क्या हो जाता है, ये बैलेंस शीट में एक सेपरेट अकाउंट हम बना देते हैं और उसमें हम इसको शो कर देते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज क्रिएटेड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ना इस स्कूल को और अपने एनुअल फंक्शन के लिए, क्या हो जाता है? क्या वो कैपिटल रिसीट होगी या फिर रिवेन्यू होगा, एसेट होगा, अर्न इनकम होगी? सब्सक्रिप्शन रिसीव एक स्कूल को हुआ है ना, क्या बन गई उसकी लायबिलिटी बन गई ना, फंक्शन के लिए कैपिटल रिसीट हो गया। ठीक है, समझ गए इतनी बात को मेरी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव बाई ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ़ इट इज़ रिसीव रेगुलरली, अगर ये रेगुलर रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब बात समझें। एंट्रेंस फीस एक ऐसी फीस होती है जो या तो रेगुलर रिसीव हो, है ना। वैसे ज़्यादातर फीस जो है वो रेगुलर ही आती है, ऐसा तो है नहीं कि इकट्ठा उसको पेड नहीं किया जाता, रेयर केसेस में किया जाता है इकट्ठा पेड। तो अगर वो इकट्ठा पेड कर दिया तो वो कैपिटल रिसीव बन जाती है। लेकिन ये रिसीव रेगुलर रिसीव हो रहा है, इसका मतलब रिकरिंग नेचर का हो गया। रिकरिंग नेचर का हो गया इसका मतलब कहाँ डालेंगे? हमारी इनकम बन गई और वो कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में डाला जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। समझ गए? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा 15। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से कौन सा आइटम है जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो किया जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर एप्रिसिएशन, या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, या फिर एक्रूड सब्सक्रिप्शन? इज विच वन इज शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? चलो क्या आ गया हमारा? आ जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। पता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब पता है आप लोगों को। ठीक है, तो आ जाएगा ये हमारा आंसर आता है इसका सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, ये कौन प्रिपेयर करता है, ये क्या क्या प्रिपेयर होते हैं? इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, इनकमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। इतनी देर से यही बताया जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, वो तो फाइनेंशियल जितनी भी हमारी कंपनीज होती है वो बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, किसकी समरी होती है ये पढ़ा है आप लोगों ने? डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ लेजर अकाउंट नहीं, एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट नहीं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी अकाउंट नहीं। ये किससे बनता है? ये बनता है कैश बुक से, तो कैश रिसीट्स एंड पेमेंट से बन जाता है ये बहुत इजीली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 18। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, या फिर रियल एंड नॉमिनल बोथ? नहीं, रियल नॉमिनल बोथ नहीं हो सकता ना, ये तो पता है ना। ये होते हैं हमारे रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट मतलब बी हो जाता है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर खर्चों का अकाउंट है। जो खर्चे के अकाउंट होते हैं वो भाई हमारे किस में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील। अब सोचो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड है तो वो क्या रिवील करेगा? क्रेडिट साइड समझ गए ना, एक्सेस ऑफ कैश रिसीट्स, एक्सेस ऑफ कैश पेमेंट्स, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड है ना, इसका मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हमारा डी। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट, ये एनपीओ के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से पैसा आता है इनके पास, है ना? तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स हाँ होता है ना, डोनेशन हाँ होता है ना, एंट्रेंस फी हाँ ये भी होता है। इसका मतलब क्या? ऑल ऑफ द अबव, समझ गए, इन सब से हमको पैसे मिलते हैं। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसीट, इसमें से कौन सी चीज़ है जो कैपिटल रिसीट होती है? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, डोनेशन सब्सक्रिप्शन, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? ये होते हैं लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमें एक बार में इकट्ठा मिल जाता है, और जो चीज़ हमें लमसम यानी इकट्ठी अमाउंट में मिलती है वो सब हमारी कैपिटल रिसीट बन जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय क्लब शुड बी ट्रीटेड। देखो, ग्रास को सेल किया है हमने, उससे जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है,
ठीक है, वो कैसी होती है? तो वो हमारी कैपिटल रिसीट नहीं होती है, क्योंकि ग्रास है ना, अगर लैंड होती तो कैपिटल रिसीट हो जाता, ग्रास है, एसेट भी नहीं है, अर्न इनकम भी नहीं, ये हमारी क्या होती है? हमारी होती है रिवेन्यू रिसीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाई ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या हुआ, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को आपने सेल कर दिया, जो पुराना उधरान आपके पास पड़ा हुआ था, ठीक है, पैसे तो आएंगे ही ना आपके पास, कहाँ शो करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, डेबिट साइड में खर्चे आते हैं, लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट की नहीं है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ना आपकी एसेट है, ये कहाँ आएगा? इसका मतलब ये आएगा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये आपकी छोटी मोटी इनकम बन जाती है, समझ गए? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ देर इज ए मैच फंड देन मैच एक्सपेंसिस एंड इनकम आर ट्रांसफर टू। अगर मैच फंड है तो मैच एक्सपेंसिस और इनकम कहाँ जाएंगी? देखो हमने पहले भी बताया था, जो फंड अगर स्पेसिफिक फंड है तो उसके एक्सपेंसिस और उसकी इनकम उसी के साथ ही एड या लेस की जाती हैं। तो हमारे ये कहाँ जाएगी, ये मैच फंड किधर आता है? ये लाइबिलिटी में आता है बैलेंस शीट की, तो ये कहाँ चली जाएंगी? ये चली जाएंगी, इसका मतलब लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, समझ गए? बिल्कुल चीज़ें एकदम क्लियर हैं यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर, इस साल में जो सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव्ड हुआ है करेंट ईयर में, क्या बन जाती है हमारी? बार बार बताया है, जो एडवांस चीज़ें होती है वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, ये आ गया लाइबिलिटी। आई थिंक आपको क्लियर होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा उनको पढ़ने में। अगर ये कर लिए तो सारे क्वेश्चन आपके एक बार में कवर हो जाएंगे, कोशिश है हमारी, कोशिश है हमारी। चलो भाई कुछ न्यूमेरिकल करा दूँ। सब्सक्रिप्शन received in cash during the year 40,000, subscription outstanding है at the end of the previous year was 1,500, ठीक है, and outstanding at the end of the current year 2,000, subscription received in advance for next year was 800, amount of credited to the income and expenditure account will be। अब देखो क्या है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 40,000, ये तो ये हो जाएगा, और अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे? देखो जो हम इसमें ऐड करते हैं वो पता है ना, जो करेंट ईयर का जो ऐड होता है, उस साल जिस साल हम इसको बना रहे हैं उस साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो तो हम ऐड कर देंगे, वो 2000 हमको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, और 1500 पुराने वाले प्रीवियस ईयर का है, लेस होगा, पता है ना ये भी लेस होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस द नेक्स्ट ईयर ये भी लेस होगा, तो 1500 और 800 तो आप लेस कर दोगे, 2000 आप इसमें आउटस्टैंडिंग उसी ईयर के लास्ट के ऐड कर दोगे। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका 39,700, समझ गए मेरी बात को, ये आंसर आएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 2,500,000, ठीक है, अच्छा अच्छा, और आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, हाँ एंड ऑफ द ईयर 20,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर 25,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस द नेक्स्ट ईयर वाज 8,000, रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 7,000, अच्छा अमाउंट क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी सेम, बिल्कुल सेम। फिर बता दूँ 5,00,000 जो रिसीव हुआ वो लिखेंगे आप, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, ठीक है, और एडवांस एट द एंड ये हमारा ये क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। तो आप क्या क्या ऐड करोगे 5,000 में? आप ऐड करोगे 25,000 प्लस 7,000 जो प्रीवियस ईयर का, समझ में आ गए? लेस करोगे इसके अंदर से क्या, जो आपको इसके अपोजिट जो चीज़ें हो जाती हैं वो इसमें से लेस कर दी जाती हैं, इट मीन्स 20,000 प्रीवियस ईयर का और 8,000 एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का, समझ गए है ना? सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये दो चीज़ें लेस हो जाएंगी इसमें, मतलब 25,000 प्लस 7,000 ऐड हो जाएगा, समझ गए, और 20,000 प्लस 8,000 28,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, समझ गए? तो आंसर हमारा क्या आएगा 5,04,000, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलो नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। ट्वेंटी नाइन
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 7,60,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 73,000. रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 72,000. सब्सक्रिप्शन इन एरियर भी लगा हुआ, एरियर मने आउटस्टैंडिंग होता है, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज 75,400. अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी सेम, बिल्कुल 7,80,000. ठीक है, ये लिखा आपने, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट में चलते हैं. 75,400 रुपीज़ जो, अब क्या क्या लिखा हुआ है इसमें लाइन से समझेंगे अपनी चीज़ों को हम. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर और रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने है जो नहीं पेड किया गया, सबसे पहले तो हम उसको ऐड कर देंगे 75,400 रुपीज़ को. ठीक है, अच्छा अब चलते हैं. जो रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 72,000, ये हमेशा आपको पता है ना, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी होते हैं और एडवांस होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, ये हमारा ऐड हो जाएगा. और जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये 73,000 यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर दिया जाएगा. क्लियर, वही रूल चल रहा है सेम टू सेम, इसमें रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है. आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 55,600. चलते नेक्स्ट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 2-3 lakh. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 10,000. रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 8,000. सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 18,000 एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर 12,000. द अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, चलो 3 lakh. जो करंट ईयर का सब, पहले तो हम एरियर पे चलते हैं, मैंने आउटस्टैंडिंग चीज़ों पे चलते हैं. जो करंट ईयर का है, करंट ईयर का जो एट द एंड ऑफ द ईयर है, मीन्स यहाँ पर कितने हैं 12,000 ऐड कर दो. ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम जो एडवांस दिया जाता है. तो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर को ऐड कर देते, अपोजिट चलता है ना आउटस्टैंडिंग का. ठीक है ना, तो 8,000 और ऐड हो जाएगा. क्लियर, उसके बाद 10,000 रुपीज़ जो नेक्स्ट ईयर का था वो लेस कर दो, हो गया. और हम क्या लेस करेंगे, 18,000 जो प्रीवियस ईयर का था वो लेस हो जाएगा. ठीक है, लेस हो जाएगा, हमारा आंसर जो हमारा मैच होगा वो होगा 2,92,000. सी, ऑप्शन नंबर सी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर अ ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने. ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होगा ये पूछते हैं हमसे सिर्फ. चलो, सब्सक्रिप्शन है कितने का टोटल, टोटल सब्सक्रिप्शन आता है हमारा 4 lakh रुपीज़ का. इसमें थोड़ा सा शायद मिसिंग है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहाँ पर दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 4 lakh का है इसमें. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, 4 lakh लिखेंगे आप इसमें. और 4 lakh में सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, फिर से अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर दे रखा है, फिर से समझा देती हूँ इस चीज़ को. 4 lakh में ये जो 10 का दे रखा आउटस्टैंडिंग 25,000 रुपये, ये हमारे करंट ईयर का होता है. 25,000 रुपये ये ऐड हो जाएंगे और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का ऐड किया जाता है वो 3,000 ऐड हो जाएगा. क्लियर, और जो लेस किया जाएगा अमाउंट वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का हो जाएगा, यानी कि 10,000 मींस ओपनिंग होगा वो लेस किया जाएगा. और 2,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2,000 रुपीज़ ये लेस किया जाएगा. यानी कि 10,000 और 2,000 12,000 रुपये लेस किए जाएंगे और 2,500 3,000 28,000 रुपये ऐड किए जाएंगे. समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे इस रूल को क्लियर. और ये 4 lakh रुपीज़ यहाँ मिसिंग है, आप लिख लेना उसमें. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं देन द आंसर विल बी 4,16,000. ये आ गया बस बी, 4,16,000 बी है. ओके, हाँ चलो 32 पे चलते हैं. देर आर 200 मेंबर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये 1,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन देते हैं भाई सारे लोग. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,95,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 3,000, एट द एंड ऑफ द ईयर 2,000. अमाउंट शोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 200 मेंबर का पहले तो हम निकाल लेंगे, 1,000 से कितना बन जाता है हमारा, 2 lakh रुपये का आ जाता है.
ठीक है, बस उसके बाद तो आपको पता ही है कि जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो हम इसमें क्या कर लेते हैं। देखो रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, बिगनिंग इन द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है हमारा 2000 है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ, 1,95,000 से क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाएगा। ये हम करेंगे 3,000 रुपीज़ बिगनिंग ऑफ द ईयर है ना, ये हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे 2,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2,00,000 रुपीज़ का। एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलते हैं भाई नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 33। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एक प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस है 32,800 का ड्यूरिंग द ईयर। डोनेशन रिसीव टुवार्ड दिस फंड अमाउंट ऑफ 15,400। अमाउंट स्पेंड ऑन प्राइस फंड प्राइस वाज 7,12,300 एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट वाज 4,000। द क्लोजिंग बैलेंस प्राइस विल बी, एकदम सिंपल सा है। ओपनिंग बैलेंस कितना है 32,800 का, इसमें हमने और डोनेशन हमें कितना मिल गया 15,400 का और मिल गया, ये ऐड कर लो कितना हो जाता है हमारा 48,200 का हो जाता है। समझ गए, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं कि ये यहाँ पर हमको कितना और रिसीव हुआ, 52,400 का 300 का हो गया, इसमें से हम 12,300 अपना यहाँ पर ये लेस कर लेंगे। समझ में आ गई इतनी बात मेरी, जो ओपनिंग बैलेंस था वो तो कितना था हमारा 32,800 का था, इसमें हमको अमाउंट जो और मिला है वो कितना मिला है 15,400 का और मिल गया, कितना हो जाता है 48,200 का हो जाता है। अच्छा जो उन्होंने प्राइस स्पेंड किया है वो कितना किया है, खर्चा कर दिया मैंने, उन्होंने वो खर्च कर दिया है 12,300 रुपये यहाँ पर खर्च कर दिया, ठीक है। और एक इंटरेस्ट और रिसीव हो गया प्राइस पर इन्वेस्टमेंट का 4,000 रुपये का, तो 48,200 में 4,000 रुपये और जोड़ दो क्योंकि ये हमें फ़ंड मिल गया, तो कितना हो जाता है 52,200 हो जाता है। उसमें से जो ये खर्च हो गए हैं 12,300 रुपीज़ वो लेस कर दो, तो हमारा आंसर आता है 39,900। ये 12,300 है, जो 7 इसमें आगे जो लिख गया है 7 लाख नहीं है, 7 नहीं है, आप इसको हटा लेना यहाँ से, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। ओके सिर्फ 12,300 अमाउंट है ये बस, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर 39,900 रुपीज़ का। क्लियर, जो अभी बताया था जो जिससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो उसी से लेस किए जाते हैं, और अगर जो उसकी इनकम होती है वो उसी में ऐड कर दी जाती है, वही किया गया इसके अंदर, कुछ स्पेशल नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करेंट ईयर 80,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड 4,000, सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू द करेंट ईयर 3,200, पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर वाज 5,000, द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर से बहुत सिंपल चीज़ आ गई, देखो 80,000 था, 80,000 में आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऐड कर दी जाएगी 4,000 की, ठीक है। करंट ईयर की एडवांस सैलरी है 3,200, करंट ईयर की एडवांस सैलरी है, ठीक है, इसको भी ऐड कर दो, कर दिया हमने ऐड, कितना हो गया 87,200। अब इसमें से हमें लेस क्या करना है, पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने कर दिया 5,000 लेस कर दो, कितना आ जाता है हमारा 82,200 रुपीज़ का। सही है आंसर मैच, बहुत बढ़िया, ये आएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट पर अपने, क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है। तो यहाँ सैलरी पेड हुई है इन कैश ड्यूरिंग द करेंट ईयर वाज 30,000, चलो भाई ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 2,000 एंड आउटस्टैंड सैलरी एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर वाज 3,000, सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर 2,600। फिर से समझाएंगे, और सैलरी कितनी है 30,000 रुपये लिख लेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, यही ऐड किया जाता है हमेशा, इसी को ऐड कर देंगे, 3,000 ऐड हो गया। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये लेस किया जाता है पता है, माइनस कर दो इसको, कर दिया। और क्या करना है अभी हमको, माइनस सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, उल्टा चलता है ना, 2,600 और हम इसमें से लेस कर देंगे, आंसर हमारा आंसर विल बी 28,400, मींस कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक। 36 पर चलते हैं, सैलरी पेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2010 अमाउंट ऑफ 75,000, हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस, ठीक है। देखो कुछ भी तो है नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक सैलरी कितनी है 75,000 रुपीज़ की,
अब क्या क्या करना है इसमें हमको, 6000 का 1000 है, 6500 है और 1 पता है, 10 की क्या होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 को ऐड कर दूँ और उधर जो प्रीपेड सैलरी है वो सिर्फ 1200 आएगी, ठीक है, क्योंकि वो ओपनिंग चलती है, ओपनिंग उसे ऐड कर दो। और हम सब्ट्रैक्शन इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसका अपोजिट, 6500 और 1000 यानी कि 7500। क्लियर, आंसर कितना आ जाता है हमारा, 74700 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वही रूल है, कोई रूल में चेंजेस नहीं है कैसे भी। चलो नेक्स्ट बताते हैं 37। हाउ मच विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द फॉलोइंग केस। क्रेडिटर्स दे रखें स्टेशनरी के और दे रखा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। 2009-10 में पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी वाज 60,000। बिल्कुल ऐसे ही बनता है, 60,000 है क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी जो करंट ईयर का एंड ऑफ द ईयर यानी कि 6,000 रुपीज़ ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक जो है वो भी ऐड कर दिया जाएगा 3000 का, यानी कि 6000 तो 3000 ऐड कर दो और 8000 तो 3200 मिला करके दोनों लेस कर दो। यही रूल है ना, उसके हिसाब से जब हम करेंगे अपना कैलकुलेशन लेकर के आएंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 57,800 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस। अनपेड फॉर मशीन्स और स्टॉक ऑफ मशीन्स। और पेमेंट मेड फॉर द मशीन्स कितनी है भाई, यहाँ पर पेमेंट जो मेड हो गया मशीनों का वो हो गया 250,000 रुपये का, ठीक है, बिल्कुल सेम 250,000 में तो 12,000 ये क्लोजिंग जो आता है इसका और 8,000 रुपये ओपनिंग ऐड कर दो और 10,000 और 13,000 मिला करके 23,000 रुपये लेस कर दो। आंसर तुम्हारे सामने है, वही रूल आ रहा है बार बार, 2,47,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं 39। इफ़ अ जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट इज रिसीव बाय स्कूल देन डोनेशन इज। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट आता है तो हम कहाँ डालते हैं, ऑब्वियस बात है ना, अभी बताया था ना कैपिटल रिसीट होता है तो कैपिटल रिसीट में डाल देंगे यानी कि ऑप्शन नंबर बी लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इफ़ अ जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट अगर आ जाता है तो हम कहाँ लेके जाएंगे उसको, तो फिर वो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये भी पता है जनरल डोनेशन है ना, छोटा अमाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में, समझ गए। चलो नेक्स्ट चलते हैं 41। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑफर नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंट। एक्रूड सब्सक्रिप्शन आता है क्या, नहीं आता। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आती। डेप्रिसिएशन नहीं आता, इसका मतलब नन ऑफ द दीज। क्यों ऐसा अभी दिमाग में आ रहा होगा ये क्यों नहीं आते, भाई उसमें हम कोई एडजस्टमेंट लेते ही नहीं है। एडजस्टमेंट जो भी होते हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं शो किए जाते हैं और ये सब एडजस्टमेंट है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई, डेप्रिसिएशन हुआ, ये सब एडजस्टमेंट में आते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट का कोई काम नहीं है, वो सिंपल फिगर्स का काम है, भले वो पेड हुई हो नहीं हुई है, इस साल की हो या किसी और साल की हो, हम सिंपल अमाउंट वहाँ पर शो करते हैं, राइट। चलो 42 पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज़ नॉट शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ऑल ऑफ द एवर। ये शो नहीं करते हैं हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, है ना, क्यों, ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस आता है, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव क्यों नहीं आएगा, वो भी देंगे, है ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू ये उसमें नहीं शो किया जाता है, ये हम उसमें नहीं लिखते हैं, ठीक बात। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब तो आता है, और अब दैव पे लगा दो, चलो भाई हो गया। आगे चलते हैं 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है भाई इसमें, पब्लिक हॉस्पिटल, कॉरपोरेशन, ऑडिट फार्म और या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब गवर्नमेंट की होती हैं। एक पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं जो एनजीओज में आ सकते हैं, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं 45। सरप्लस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, मेंबर में बांट देते हो, इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स या मे बी और मे नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इज़ डेबिटेड टू जनरल फंड। हाँ भाई ये तो जनरल फंड में डेबिटेड कर दिया जाता है, बढ़ता थोड़ी है, आपको जो जनरल फंड है ना उसी में हम इसको लगा करके ऐड कर देते हैं, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देना है इसमें। 46 पे चलते हैं। 46 क्या कहता है देखो, 1 lakh received as annual subscription, out of this 20,000 is previous for previous year, whereas 1,000 receivable at the end of the current year, amount of subscription that will be shown in the income and expenditure account will be। बहुत देर से यही सारी चीज़ें बता रहे हैं, है ना। कौन सा आंसर आएगा इसमें, सब कुछ लेस कर देंगे हम, इसमें क्या आएगा 90,000। 1 lakh प्लस 10,000 माइनस 20,000 हो जाएगा 90,000। चलो भाई ये सब क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब भाई कुछ आपके ट्रू फॉल्स आपके सामने आ जाते हैं, है ना। आंसर हम आपको बताते जाएंगे, फॉल्स का आपको रीज़न भी बताएंगे कि इसके पीछे के रीज़न क्या है। फर्स्ट, अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, है ना। इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, फॉल्स है। इसमें इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें आप फॉल्स पे लगा लेना, इंसिडेंटल होती है ये। नेक्स्ट चलते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, हाँ भाई रियल है बिल्कुल, ट्रू कर लो। उसके बाद आ जाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन होता है ना इसमें सारा, बहुत बढ़िया ट्रू है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं होते हैं इसमें, रिसीट्स एंड पेमेंट्स होते हैं। आगे चलते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं भाई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, ये तो कैश बुक का बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, कैश बुक से बनाया जाता है, आप कैश बुक मान सकते हो इसको आराम से। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज द कैश पोजिशन, हाँ ये तो बात सही है, कैश पोजिशन तो शो करते ही करते हैं हम इसमें। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, अभी यही वाली बात तो पता ही। चलो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली द रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट, क्यों भाई और कैपिटल वाले कहाँ जाएंगे सारे, सब आता है, रेवेन्यू भी आती है तो कैपिटल भी आती है, फॉल्स है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, क्यों अभी रेवेन्यू सब आता है इसके अंदर, फॉल्स है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट रिसीट्स पेड ड्यूरिंग अ ईयर, ये सही है, दोनों चीज़ें आती हैं आपकी, कैपिटल रिसीट्स भी आती है और इसमें रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू पेमेंट सब आता है इसके अंदर। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए फॉलोड बाई अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनती है फॉलोड बाई ए बैलेंस शीट है, नहीं कैश कैश बुक से बना लेते हैं, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज फॉलोड बाई बैलेंस शीट, नहीं फॉल्स है, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शो रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर ए पर्टिकुलर, अच्छा ये तो अभी बैलेंस शीट वाला था, अभी हमने कर ही लिया था ना, ये तो फॉल्स था, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए, हाँ वो तो बनता ही है, पर्टिकुलर पीरियड ही बनेगा हमेशा। आगे देखो, बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एट द क्लोज ऑफ द पीरियड इज द प्रॉफिट अर्न बाई ए कंसर्न, ठीक है। अर्न बाई ए कंसर्न प्रॉफिट के लिए हम इसको करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम उसकी कंडीशन पता लगाने के लिए करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो रियल अकाउंट, नो नॉमिनल होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। आगे देखो, तिनसुकिया कॉलेज इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये स्कूल, टू लगा लो इस पर। आगे देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न, हाँ बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। आगे चलो, एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन विद अ बैलेंस, एक बैलेंस से खुलता है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं होता इसमें। एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉट फॉलोड बाई ए बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट को फॉलो कराते हैं, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते नहीं बनाते हैं, फिर ये फॉल्स है। नेक्स्ट चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड ओनली रिवेन्यू आइटम्स, ऐसा कैसे हो सकता है, कैपिटल आइटम कहाँ जाएंगे फिर, ठीक है। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेनोट द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, नो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। चलो और थोड़े से रह गए, ये भी कर लें, अ डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिनोट एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। आगे चलो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सही यही होता है ना।
एडमिशन फी शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू अनलेस प्रेटी लार्ज, अगर ये बड़ी है बहुत एक अमाउंट तो फिर हम उसे क्या कह देते हैं, हम तो उसको कहेंगे रेवेन्यू, है ना। नहीं तो फिर उसको, अगर ये बड़ी होती है तभी उसको कैपिटल रिसी बनाया जाता है, क्योंकि तो छोटी होती है। सही है, एकदम बढ़िया। आगे देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज क्रिएटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ सही है, प्रॉफिट या लॉस दोनों ही ट्रांसफर किए जाते हैं। खाली प्रॉफिट ही नहीं बल्कि कोई भी एसेट को अगर हम बेचते हैं उससे रिलेटेड हमको लॉस या प्रॉफिट होता है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते ही रहते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी शुड भी कैपिटलाइज। हाँ कैपिटलाइज होती है, 100% कैपिटलाइज होती है, क्योंकि एक बार में हमको इकट्ठा अमाउंट मिलता है तो जब हमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट मिलता है तो फिर वो हमारा कैपिटल रिसीट बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट FIBs आ जाते हैं भाई कुछ। चलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाई, कौन बनाता है, किसे बनाते हैं भाई, NPO। अब ये हम नहीं यहाँ पर लिखेंगे, आप इसको खुद से मेंशन कर लेना, ठीक है, हम बता देते हैं आपको, आप लिख लेना। NPOs होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इसी से तो स्टार्ट होते ही हैं। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कैश बेसिस बनते हैं। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड्स करते हैं, बोथ कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। रिसीट एंड पेमेंट में तो हम कैपिटल और रिवेन्यू दोनों डाल देते हैं ना, दोनों डाल देना। इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओनली सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही शो किए जाते हैं, ठीक है, क्रेडिट का यहाँ कोई काम नहीं है। आ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन ये एक्रुअल बेसिस होते हैं, ठीक है, एक्रुअल बेसिस पर तैयार किए जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे चलते हैं, मतलब रिसीव एक्चुअल बेसिस क्या होता है, रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो हमको उसको शो करना है, डेट इज़ कॉल्ड एक्चुअल बेसिस, ठीक है। सेवन देखो, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शन ऑफ रिवेन्यू नेचर, कौन सा नेचर, रिवेन्यू नेचर का आता है, किस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज शोन ऑन द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कहाँ शो करते हैं हम, एसेट साइड में बैलेंस शीट के शो करते हैं, क्योंकि हमारी लायबिलिटी वो, क्योंकि वो हमारी एसेट हो जाती है, समझ में आ गई। चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमें कौन सा बेनिफिट दे सकता है, वो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, अभी तो हमें लगेगा खर्चा हो रहा है लेकिन आगे जाकर के वो हमको प्रॉफिट दे देगा। फंड बेस अकाउंटिंग इज मेंटेन बाय, ये फंड बेस अकाउंटिंग कौन मेंटेन करता है, ये नॉन ट्रेडिंग जो कंसर्न होते हैं ना, जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं जैसे NGOs वगैरह होते हैं, वो लोग इसको मेंटेन करते हैं, है ना। चलो आगे आगे देखते हैं, अ लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ, ये क्या होती है, ये हमारी होती है कैपिटल रिसीट, ठीक। और डेबिट बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ किसका, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, समझ गए। अ क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, अ क्रेडिट बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम किससे ज़्यादा, एक्सपेंडिचर से, ओके। डेबिट बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किस में आएगा, डेबिट बैलेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, या तो वो डेफिसिट होगा या फिर वो क्या होगा, एंड सरप्लस, या फिर सरप्लस होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करता है और रिवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है, रिवेन्यू एंड, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे हम पहुँच गए हैं 16 पर। 16 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज ट्रिएटेड, क्या से ट्रिएट होता है भाई, रिसीव एडवांस रिसीव हो गया, लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। लीजेसी, लीजेसी एक वो आइटम है, क्या होता है वो, ये होता है नॉन रिकरिंग नेचर का, जो बार बार रिसीव नहीं होता हमको, है ना, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड क्या है, ये एंडोमेंट फंड इज कैपिटल रिसीट है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाय आर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये लिख सकते हो। एंड इनकम एक्रूड इज शोन ऑन द एसेट साइड होती है हमेशा बैलेंस शीट के। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक फंड इज क्रिएटेड टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट, स्पेसिफिक है ना इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिक फंड अकाउंट में जाएगा। कैपिटल ग्रांट इज एडेड टू, ये कैपिटल फॉर्म होती है, कैपिटल ग्रांट इज एडेड टू कैपिटल फंड में, ठीक है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा ये। एक्सपेंसिज और टूर्नामेंट आर डेबिटेड टू टूर्नामेंट फंड अकाउंट, जिसका जो खर्चा होता है वो उसी से ही डेबिट कर दिया जाता है, सही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट्स विथ नो बैलेंस, इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई बैलेंस नहीं होता। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, ये कैश बेसिस तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रुअल बेसिस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रुअल बेसिस तैयार किया जाता है। इस तरीके से मेरा ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको लग रहा होगा कि डेफिनेटली ये उसने पूरा चैप्टर, एंटायर चैप्टर हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बने रहिए मेरे साथ।
और टेलीग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सो मच थैंक यू।